स्वर्गवासी माँ की जादुई अनोखा हार। देखिए, अजय हमारा इकलौता बेटा है, उसके बावजूद भी हम अपने बेटे की शादी आपकी सावली बेटी से करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको हमारी कुछ मांगे पूरी करनी होगी। उसके बाद प्रेमलता दहेज की लंबी चौड़ी लिस्ट सुरेश के हाथों में पकड़ा देती है, लेकिन लड़की का बाप होने की वजह से बेचारा सुरेश कर भी क्या सकता था, इसलिए उसे मजबूर होकर प्रेमलता की सारी शर्तों को पूरा करना ही पड़ता है। और अपनी बेटी की शादी की मांगों को पूरा करने के लिए सुरेश गांव के कई बड़े बड़े सेठों से पैसे उधार लेता है, क्योंकि सुरेश बहुत ही गरीब किसान था। लेकिन वह फिर भी जैसे तैसे करके अपनी बड़ी बेटी कविता की शादी प्रेमलता के बेटे अजय से करवा देता है, और शादी के बाद उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाता है, और इस वजह से वह बहुत ही परेशान रहता है। इसलिए वह एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, गायत्री, हमें अपनी एक बेटी की शादी करने के बाद इतना कुछ सहना पड़ रहा है, तो हम अपनी दूसरी बेटी की शादी कैसे करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी तो यही सोच रही हूँ जी, कि कहीं कर्जा चुकाते चुकाते हमारी पूरी जिंदगी ही ना बीत जाए, फिर हम अपनी दूसरी बेटी की शादी कैसे करेंगे। कविता की शादी के बाद सुरेश के ऊपर काफी कर्जा हो गया था, जिस वजह से वे लोग बहुत ही दुखी रहा करते थे, और अपने माता पिता को यूं दुखी देखकर उनकी छोटी बेटी नंदिता भी अक्सर परेशान रहा करती थी। और इधर कविता भी अपने ससुराल जाकर खुश नहीं थी। मेरे सांवले रंग की वजह से मेरे पिताजी को कितना दहेज देना पड़ा, और उसके लिए उन्होंने गांव भर से कर्जा ले लिया, और ऊपर से मेरे ससुराल वाले भी इतने लालची हैं कि उनकी मांगे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। पता नहीं मेरे पिताजी इतना सारा कर्जा कैसे चुका पाएंगे। ऐसे ही एक दिन जब नंदिता जंगल में लकड़ियां काटने जाती है, तो अचानक से उसके लकड़ी के ऊपर एक सुंदर सा तोता आकर बैठ जाता है, और उस तोते को देखकर नंदिता कहती है, अरे वाह, ये तोता तो कितना सुंदर है, लेकिन ये आया कहाँ से? यहाँ आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मुझे माफ करना प्यारे तोते, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर नहीं ले जा सकती। मेरे माँ पिताजी पैसों को लेकर पहले से ही इतने परेशान हैं, और ऐसे में अब तुम्हें अपने घर ले जाकर मैं उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर नंदिता लकड़ियाँ लेकर वापस आ जाती है, लेकिन वह तोता भी उड़ते हुए नंदिता के पीछे पीछे उसके घर आ जाता है, और उसके घर की छत पर बैठ जाता है। उसी समय गांव के कुछ लोग अपना कर्जा मांगने उसके घर आते हैं। अरे ओ सुरेश, बाहर निकल। उसी समय सुरेश हाथ जोड़कर सबके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए साहब, मैं सबका एक एक पैसा लौटा दूंगा। अरे तेरे तो खुद के जीने के कुछ ही दिन बचे हैं, तो हमारे पैसे कब देगा? अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो देख लेना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उन लोगों की धमकियों को सुनकर सुरेश बहुत ही घबरा जाता है, और उसी रात सदमे की वजह से उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और अपने पति की ऐसी हालत देखकर गायत्री भी सदमे में अपनी जान से हाथ धो बैठती है। और वहाँ कविता के ससुराल में उसकी सास और उसका पति उस पर बहुत अत्याचार किया करते थे, उसे हमेशा छोटी छोटी बातों पर मारा करते थे। और जब अपने पिता और माँ के देहांत की बात कविता को पता चलती है, तो वह अंदर ही अंदर टूट जाती है, और रोते हुए अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मेरे माता पिता जी का देहांत हो गया है, तो क्या मैं एक बार अपने घर जा सकती हूँ? मेरी बहन पता नहीं कैसे अकेले ये सब संभाल रही होगी, मुझे जाने दीजिए माँ जी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है घर जाने की, तू अपने घर चली जाएगी तो यहाँ घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? चल जाए यहाँ से,
और अपना काम कर। सुशीला की सास उसको जाने नहीं देती है और बेचारी नंदिता को अकेले ही अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करना पड़ता है और कुछ ही दिनों में कर्जा मांगने वाले नंदिता के पीछे पड़ जाते हैं। अरे वो लड़की, अब तो तेरे माता पिता इस दुनिया में रहे नहीं, अब हमारा कर्जा कौन लौटाएगा, इसलिए अब तुझे ही हमारा कर्जा चुकाना पड़ेगा। लेकिन मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी, थोड़ा सा तो समय दे दीजिए मुझे। हम तुम्हें एक हफ्ते का समय देते हैं, एक हफ्ते के अंदर हमें हमारे पैसे चाहिए। नंदिता कर्जा चुकाने के लिए एक फैक्ट्री में मजदूरी करने लगती है और इधर दिन पर दिन कविता के ससुराल वालों की डिमांड बढ़ती गई। अरे सुन, मुझे कुछ पैसे चाहिए, इसलिए तुम अपने घर से मुझे पैसे लाकर दोगी। क्या, लेकिन मैं भला आपको पैसे कहाँ से लाकर दूँ? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस पैसे चाहिए। वैसे भी तुम्हारे बाप ने मुझे दहेज के नाम पे दिया ही क्या है। क्या दिया है? अरे आप लोगों को दहेज देने की वजह से उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा और आप कह रहे हैं कि दहेज में दिया ही क्या है। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने क्या तुम्हारे माँ बाप की जान की ठेका ले रखा है? इसलिए तू चुपचाप एक हफ्ते के अंदर मुझे 50,000 रुपए दे, वरना मैं तुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगा। उधर दूसरी तरफ गायत्री की आत्मा स्वर्ग से यह सब होता हुआ देख रही थी। वह मन ही मन बहुत ही दुखी होती है और वह भगवान से दोबारा धरती पर जाकर अपनी बेटियों की मदद करने की विनती करती है और भगवान उसकी इस भावना को देखते हुए उसे धरती पर जाने की इजाज़त दे देते हैं और साथ ही साथ उसे कुछ शक्तियाँ भी प्रदान करते हैं और गायत्री की आत्मा धरती पर आकर उस तोते के अंदर चली जाती है और वह एक एक करके अपनी दोनों बेटियों के घर जाती है और उनकी ऐसी हालत देखकर कहती है, मेरी दोनों बेटियाँ बहुत ही ज्यादा दुखी है, अब मैं उन दोनों की मदद कैसे करूँ। वही कविता के ससुराल वालों का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। अरे क्या तू मेरे बेटे को पैसे नहीं देगी? पर बाजी, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? कविता के इतना कहते ही अजय उसे डंडे से मारने लगता है और वहीं नंदिता को भी कर्जा मांगने वाले धमकी देने लगते हैं। इस तरह दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा दुखों से गुजर रही थी और गायत्री तोते के रूप में अपनी बेटियों की ऐसी हालत देख रही होती है। तभी एक दिन अजय कविता को इतना मारता है कि उसके सर से खून निकलने लगता है और यह सब देखकर गायत्री के सब्र का बांध टूट जाता है और वह कहती है, ये लोग कितने जालिम हैं, मेरी बच्ची को जानवरों की तरह मार रहे हैं। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटियों की मदद कैसे करूं? इतना कहते ही गायत्री को भगवान के दिए उस जादुई शक्ति के बारे में याद आता है और वो अपनी शक्ति से जादुई सोने का हार प्रकट करती है और एक हार ले जाकर कविता के कमरे के अंदर रख देती है और वो हार देखकर कविता कहती है, अरे ये तोता किसका हार उठा लाया है और इसे कैसे पता चला कि मुझे इस समय पैसों की जरूरत है? उसी समय कविता सुनार के पास जाती है और वह हार बेचकर पैसा ले आती है। लेकिन जब वह हार बेचकर घर आती है तब वह देखती है कि वह हार वहाँ पर दोबारा से आ जाता है। यह सब देखकर कविता को बहुत ही हैरानी होती है कि यह हार दोबारा यहाँ कहाँ से आ गया और फिर वह समझ जाती है कि यह कोई मामूली हार नहीं बल्कि जादुई हार है और इस तरह वह अजय को सारे पैसे दे देती है। यह देखकर अजय भी हैरान हो जाता है। अरे इसके पास अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से आए, कल तक तो यह मना कर रही थी। इसी तरह गायत्री नंदिता को भी वह हार देकर आती है और नंदिता उसे बेचकर कर्जदारों के पैसे चुका देती है। यह देखकर कर्जदार भी हैरान हो जाते हैं। अरे यह अचानक से इतने पैसे कहाँ से ले आई, कल तक तो इसके पास कुछ नहीं था, तो अचानक से इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? इस तरह से कविता और नंदिता रोज उस हार को बेचती और वह हार दोबारा से वहाँ पर आ जाता। यह देखकर वे दोनों बहनें काफी हैरान हो जाती है और इसी तरह अजय का भी लालच बढ़ता जाता है और उस हार की मदद से
नंदिता की परिस्थिति भी काफी अच्छी हो गई थी। यह देखकर गांव के कुछ लोग उससे जलने लगते हैं। लगता है इस लड़की के पास जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज है जहां से ये रोज इतने सारे पैसे लेकर आती है। इसी तरह वहां अजय को भी कविता पर शक होने लगता है और वह ऑफिस जाने के बहाने अपने कमरे की पीछे वाली खिड़की से छुपकर सब कुछ देखता है। और इधर कुछ कर्जदार भी नंदिता के घर के बाहर छुपकर सब कुछ देखने लगते हैं और वे लोग उन जादुई हार को देख लेते हैं। अरे यह इतना खूबसूरत हार, वह भी जादुई, मुझे कैसे भी करके ये हार चाहिए, फिर मैं भी सबसे अमीर बन जाऊंगा। इस तरह कविता के बाहर चले जाने के बाद अजय अपनी माँ को लेकर अपने कमरे में जाता है और वह हार ढूंढने लगता है। इधर कर्जदार भी नंदिता के जाने के बाद उसके घर में चुपके से जाकर वे सोने का हार ढूंढने लगते हैं। और जैसे ही उनके हाथ वह जादुई हार लगता है तो उसे देखकर उनका लालच और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसे ही वे लोग उस हार को छूते हैं तो वे लोग वहीं पर जलकर भस्म हो जाते हैं और अपनी लालच की वजह से उन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और इस तरह से दोनों बहनों को फिर से जीने की आज़ादी मिल जाती है और अब ये दोनों बहनें एक साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। और अपनी बेटियों को फिर से इतना खुश देखकर गायत्री की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और वह वापस स्वर्ग में चली जाती है। जादुई मखमली लहंगा और चंद्रहार। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रोहन और चांदनी नाम के दो अनाथ बच्चे रहते थे। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन दोनों भाई बहन जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, तभी सनाका नाम की जादूगरनी दोनों बच्चों को पकड़कर अपने घर ले आती है। ऐसे तुम दोनों यहीं रहोगे और मेरे लिए काम करोगे। अगर तुमने यहाँ से भागने की गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस जादूगरनी के डर से दोनों भाई बहन उसी के पास रहने लगे। सनाका पूरे दिन दोनों भाई बहन से खूब सारे काम करवाती और उसे ठीक से खाना तक नहीं देती थी। इसी तरह दिन बीत रहा था। एक दिन सनाका ने दो दिनों से दोनों भाई बहन को कुछ भी खाने को नहीं दिया। रोहन और चांदनी को बहुत भूख लगी थी। बहुत हुआ भाई, मैं अब तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकती। कैसे भी करके आज रात जादूगरनी के सोने के बाद हम जंगल में भाग जाएंगे। जैसे ही रात होती है दोनों भाई बहन अपने प्लान के मुताबिक चुपके से वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह जब सनाका ने देखा दोनों भाई बहन वहाँ नहीं हैं, तो वे अपने जादुई गोले में देखकर गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? जादुई जंगल, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, ये दोनों भाई बहन उस जंगल के किसी भी नदी से पानी पिए तो ये दोनों एक जानवर में बदल जाए। इधर दोनों भाई बहन जंगल में भागते हुए काफी दूर निकल गए। रोहन काफी थक गया था, उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। दीदी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। भाई वो देखो, यहाँ पास ही एक नदी है, चलो चलकर पानी पीते हैं। रोहन जैसे ही पानी पीने के लिए नीचे झुकता है, नदी में से आवाज आती है, सावधान, जो भी मेरी नदी का पानी पिएगा वो शेर में बदल जाएगा। रुक जाओ भाई, इस नदी का पानी मत पियो, चलो यहाँ से। पर दीदी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। भाई कहीं और चलकर देखते हैं, शायद हमें कहीं कोई दूसरी नदी मिल जाए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक दूसरी नदी मिलती है, लेकिन उस नदी से भी वही जादुई आवाज आती है, सावधान बच्चे, अगर तुमने मेरा पानी पिया तो तुम एक भेड़िये में बदल जाओगे। दोनों भाई बहन वहाँ से भी आगे बढ़ गए। तभी दोनों भाई बहन थककर एक पेड़ के नीचे सो गए। रोहन को बहुत तेज प्यास लगी थी। जब उसकी बहन सो रही थी तब रोहन चुपके से उठकर नदी के पास जाकर उस नदी का पानी पी लेता है। जो भी मेरी नदी का पानी पिएगा वो एक हिरन में बदल जाएगा। और अगले ही क्षण रोहन हिरन में बदल जाता है।
हिरन बनकर रोहन अपनी बहन के पास आता है और उसे उठाता है। नहीं भाई, ये तुमने क्या किया? लेकिन भाई तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये लो, ये माँ की आखिरी निशानी, माँ का चंद्रहार है, इसे मैं तुम्हारे गले में डाल देती हूँ, इससे मैं तुम्हें आसानी से जंगल के बाकी हिरणों में पहचान लूंगी। इस तरह दोनों भाई बहन उस जंगल से निकलकर एक सुनसान झोपड़ी के पास पहुँचे। भाई रहने का ठिकाना मिल गया, और देखो यहाँ आसपास हरे भरे घास और फल है, और यहाँ का पानी भी अच्छा है, अब से हम यहीं पर रहेंगे। और इस तरह दोनों भाई बहन उस घर को अच्छे से साफ करके वहीं रहने लगते हैं। ऐसे ही काफी समय बीत गया। एक बार जंगल में दूर देश का राजकुमार अपने कुछ सिपाही के साथ आया। वो राजकुमार बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। उसने मखमल हीरो जवाहरात से बने कपड़े पहन रखे थे और उसके पास हीरो से लदी हुई घोड़े की काठी भी थी। वे लोग जंगल के बीच तब्बू गार कर ठहरे हुए थे। हिरन राजकुमार को देखकर बहुत ही खुश हुआ और छुपकर राजकुमार को देखने लगा। राजकुमार अपने सिपाही के साथ बैठकर खाना खा रहा था। ये क्या है? क्या एक हिरन के गले में इतना सुंदर चंद्रहार? वाव, ये हिरन कितना सुंदर है। राजकुमार हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन हिरन तब तक अपनी तेज रफ्तार में सरपट भागा और राजकुमार को पीछा छोड़ते हुए घर तक आ गया। उसे लगा कि उसने राजकुमार को पीछा छोड़ दिया है, लेकिन राजकुमार छुपकर उसे देख रहा था। दीदी जल्दी से दरवाजा खोलो। दीदी आपको पता है आज जंगल में क्या हुआ? आज तो मजा ही आ गया। आप दरवाजा खोलो, फिर मैं आपको सारी बात बताता हूँ। क्या ये हिरन हम इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है? कहीं यह किसी जादू की वजह से तो नहीं? मुझे देखना होगा। ये सोचकर राजकुमार अपने एक सिपाही के साथ उस झोपड़ी के पास गया और दरवाजा खटखटाया। जी कहिए, क्या बात है? हेलो, मैं राजनगर का राजकुमार विराट हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। मैंने आपके भाई को बोलते हुए सुना, एक बोलता हुआ हिरन। मुझे लगता है तुम दोनों भाई बहन किसी जादू या जादूगरनी की वजह से यहाँ फंसे हो। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, कृपया मुझे सब कुछ सच सच बताओ। उसके बाद दोनों भाई बहन ने राजकुमार को अपनी सारी बीती हुई बातें बताई। उस दिन के बाद से हम दोनों भाई बहन इस छोटी सी झोपड़ी में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। आखिर आप ऐसे अकेले इस जंगल में कब तक रहोगी? मुझे तो हैरानी होती है कि आप इतने सालों से अकेले इस जंगल में कैसे रह रही हो? आपने अपने भाई की जान बचाने के लिए ये सब किया? मुझे आप जैसी कोई बहादुर लड़की अपने राज्य के लिए चाहिए, कृपया आप दोनों मेरे साथ मेरे राज्य चलिए। इस तरह राजकुमार दोनों भाई बहन को अपने साथ अपने महल ले आया। कुछ दिन महल में रहने के बाद चांदनी अपने विनम्र स्वभाव और नेक दिल से सबका दिल जीत लेती है। राज्य में हर कोई चांदनी को पसंद करने लगा। ऐसे ही समय बीत रहा था। धीरे धीरे राजकुमार और चांदनी को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और उन्हें जल्द ही एक प्यारा सा बेटा भी हुआ। इधर अचानक एक दिन जादूगरनी को दोनों भाई बहन का ख्याल आया और उसने उसका पता लगाना चाहा। तभी उसने अपनी जादुई गोले में चांदनी को रानी बना देखा। ये निकम्मी लड़की रानी कैसे बन गई? और ये दोनों भाई बहन आखिर मेरे जादू के बावजूद भी उस जंगल से जिंदा कैसे वापस आ गए? मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इधर राजकुमार विराट को अपने राज्य के काम से कहीं बाहर जाना था। प्रिय, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम अपना और मेरे बेटे का ख्याल रखना। ठीक है जी, आप भी अपना ख्याल रखना। उसी रात जब चांदनी अपने कमरे में सो रही थी, तभी वो जादूगरनी वहाँ आती है और चांदनी को सोता देखकर गुस्से से बोलती है। तुम इस महल में रहने के लायक नहीं हो, मैं तुम्हारी ये सारी खुशियाँ और ऐसो आराम छीन लूँगी, तुम मेरे साथ चलोगी। इतना बोलकर वो जादूगरनी एक मंत्र पढ़ती है और चांदनी को अपने वश में कर जादुई झाड़ू पर उड़ाते हुए वहाँ से लेकर चली जाती है।
तभी उसका भाई रोहन उस जादूगरनी को देख लेता है। अरे ये तो मेरी दीदी है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी दीदी की मदद करो। लेकिन जादूगरनी चांदनी को लेकर वहाँ से दूर एक गुफा में चली जाती है। छोड़ दो मुझे, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कृपया कर हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दो? ये सब तुम्हें मेरे घर छोड़कर भागने से पहले सोचना चाहिए। आखिर तुम लोग इतने सालों तक जिंदा कैसे रहे? अब तुम्हारे यहाँ आने के बाद तुम्हारा वो हिरन भाई, तुम्हारा पति और तुम्हारा वो बेटा सब बर्बाद हो जाएगा। हा 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 हा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर मेरा प्यार उन्हें बचाए रखेगा। प्यार में बहुत ताकत होती है, समझी? इस तरह की बकवास बातें मैंने आज तक नहीं सुनी है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ, अगर तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढ लेता है और सच्चे दिल से कहता है कि वो तुम्हें प्यार करता है तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। अगले दिन जब राजकुमार लौट कर आया तो हिरन ने उसे बताया कि वो जादूगरनी उसकी पत्नी को लेकर गई है, तो वो हैरान रह गया। वो जादूगरनी कहाँ रहती है, हमें उसका पता बताओ। माफ करिए महाराज, हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। राजकुमार परेशान होकर अपने कक्ष में बैठा था, तभी एक दासी उसके पास आई और बोली, महाराज कल रात बहुत अजीब हुआ। जब मैं राजकुमार के कमरे में थी तब वहाँ रानी आई और अपने बच्चे को गोद में उठाकर बोली, ओ मेरा प्यारा बच्चा, मुझे नहीं पता अब मैं तुमसे और मिल पाऊंगी या नहीं, पर मेरे बेटे मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, और याद रखना मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगी, हमेशा खुश रहना बेटा। महाराज रानी बहुत ही कमजोर लग रही थी, जैसे मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा हो। महाराज रानी बहुत बड़ी मुसीबत में है, कृपया उन्हें बचा लीजिए, हम रानी को नहीं खोना चाहते। ठीक है, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करूँगा। इतना बोलकर राजकुमार दासी के साथ रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही 12 बजा तभी रानी की आत्मा वहाँ आई। ओह मेरा प्यारा बच्चा, तुम ठीक तो हो ना? बेटा बेटा शायद मैं अब दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊँ, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, खुश रहना बेटा और अपने पिता का नाम रोशन करना। तभी राजकुमार चांदनी के पास आता है। प्रिये, ओह मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं मुझे जाना होगा, ये मेरा शरीर नहीं है बल्कि मेरा प्यार है जो तुम दोनों से मिलना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अगर मैं और देर तक यहाँ रह गई फिर तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे, मुझे जाना होगा। कहाँ है वो चुड़ैल, कहाँ रखा है उसने तुम्हें? जादुई जंगल में पहाड़ों के ऊपर, लेकिन वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है, तुम उसे सिर्फ अपनी प्यार की ताकत से ही हरा सकते हो। इतना बोलकर चांदनी की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। राजकुमार चांदनी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, वो अपनी सेना के साथ जादुई जंगल की तरफ निकलने ही वाले थे, तभी राज्य की गुरु माता आती है और बोलती है, बेटे ये रानी का मखमली लहंगा है, इसे अपने साथ रख लो, ये हर संकट से तुम्हें बचाए रखेगा। राजकुमार उस लहंगे को लेकर अपनी रानी को बचाने के लिए निकल जाता है। वह जंगल बहुत ही कठिनाइयों से भरा था, इसलिए राजकुमार अपने सभी सैनिकों को वहीं रुकने को बोलता है और खुद ही रानी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। राजकुमार हर हाल में अपनी पत्नी को बचाना चाहते थे, वह हर मुसीबत से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और अंत में वो जादूगरनी के पहाड़ के पास भी पहुंच गए। लेकिन जैसे ही जादूगरनी ने राजकुमार पर वार किया, उस जादुई लहंगे ने हर तरह के जादू से राजकुमार को बचा कर रखा और वो अंत में रानी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी जादूगरनी ने रानी पर हमला कर दिया। लेकिन रानी को भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि जादुई लहंगा उसे भी बचा रही थी, और इस तरह राजकुमार चांदनी तक पहुंच जाते हैं। मेरी जान, तुम आ गए। तुमने आने में बहुत देर कर दी राजकुमार,
अब ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगी। दुष्ट जादूगरनी, तू मेरी रानी को कभी मुझसे अलग नहीं कर सकती। ए जादुई लहंगे, इस जादूगरनी को हमेशा के लिए मेंढक बनाकर इसकी सारी काली शक्तियाँ छीन लो। राजकुमार के इतना कहते ही चुड़ैल मेंढक में बदल जाती है। चुड़ैल के मेंढक बनते ही रोहन भी हिरन से वापस इंसान बन जाता है और फिर राजकुमार जादुई लहंगा से बोलकर रानी को भी पूरी तरह से स्वस्थ कर देता है और फिर राजकुमार रानी को लेकर अपने राज्य आ जाता है। रानी को सही सलामत देखकर सभी बहुत ही खुश होते हैं और फिर सभी प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हो फिर किसी ऐसे ही जादुई मजेदार कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।